इस वक्त हम गांधी सेतु पर, हमारे पीछे ये देखिए नया ब्रिज जो बन रहा है उसको आप देख रहे हैं। बारिश ने इसकी भी रफ्तार रोक डाली है। लगातार हो रही बारिश के कारण जो पुल निर्माण हो रहा था उसका काम भी रुक गया है। पुल का काम अभी तक वो बाढ़ आ गया है, पानी आ गया है, उसके कारण कंपनी का कुछ क्षति भी है, उसके कारण बंद किया गया है। बारिश है तो कोई लेबर नहीं आता है काम करने के लिए, जल्द काम और सारी गाड़ियाँ जो मशीनरीज लगाई गई थी उसे सड़क के दोनों ओर उठा करके रखा गया है। इस पुल का अंदाज़ा किया जा रहा था कि नवंबर के लास्ट वीक तक ये आम लोगों के लिए चालू हो जाएगा, लेकिन बारिश ने जिस तरह से इसके निर्माण कार्य को बाधित किया है उससे अब और ज़्यादा वक्त लग सकता है इसके निर्माण में। अभी बिहार के हर जिलों को अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटे तक लगातार बारिश होती रहेगी। हर जिले के DM को अलर्ट की सूचना दी गई है, लोगों को सूचना दी जा रही है। ऐसे में पुल निर्माण के कार्य को भी रोक दिया है इस बारिश ने। आगे इससे जुड़े क्या अपडेट रहेगा फिर हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस पुल का कार्य कहां तक पहुंचा है।